आपको राहुल गांधी के बारे में पूछा जाए वो किसका कौन है तो सबको मालूम है, वरुण गांधी कौन है पूछा जाए तो मालूम है वो किसका बेटा है, पता है वरुण गांधी किसका बेटा है, राहुल गांधी किसका बेटा है, ये आपको मालूम है। इतना ही छोड़ा, आपने उद्धव ठाकरे का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में एक शिवसेना चलाता है, उसका लड़का है आदित्य ठाकरे, वो भी सबको मालूम है। मैं समाज से कभी कभी क्वेश्चन करता हूं, प्रश्न पूछता हूं, क्या ठाकरे ने या गांधी ने आपके समाज के लिए कोई काम किया, क्या उत्थान के लिए कोई काम किया? लेकिन उनका पोता, उनका परपोता हमको सब मालूम है, लेकिन बाबा साहब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ये क्यों मालूम नहीं मालूम है हम लोगों को, ये जानकारी क्यों नहीं? क्योंकि उनका मीडिया उनको 24 आवर्स बताता है, 24 घंटे बताता है राहुल गांधी कौन से लेडीज टॉयलेट में गया, ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी ने आज क्या खाया, ब्रेकिंग न्यूज, 24 आवर्स 2400 घंटे उनके चैनल्स उनको बताते हैं, हमारे चैनल्स हमको कभी नहीं बताएंगे। हमारे चैनल्स में भी वहां पर भी झगड़ा, तो मेरे विचार का नहीं, अलग गट निकाल दिया, अलग गुट निकाल दिया, चैनल्स में भी गुट, पार्टियों में गुट, धार्मिक संगठनों में गुट, यहां तक गुटबाजी हम लोगों में चली आ रही है कि हमारे पेपर्स भी अलग अलग, एक पेपर में अगर मेरा नाम आता है तो दूसरा पेपर वाला बोलता है अच्छा उसने इसका नाम छापा, अभी मैं इसका नाम कभी नहीं छापूंगा। तो अगर हमारी जानकारी ही आपके पास नहीं आएगी तो हम क्या काम कर रहे हैं आपको कैसे पता चलेगा? मैं ये मोमेंट में, मैं 2008 में मेरी MBA फाइनेंस हुई, और MBA फाइनेंस होने के बाद इसी दिल्ली में मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ पर एल्केमिस्ट करके प्लेसमेंट एजेंसी है वहां पर मेरा इंटरव्यू हुआ, और एल्केमिस्ट में ही मुझे असिस्टेंट मैनेजर की एक बैंक में मुझे नौकरी मिली। लेकिन इंटरव्यू रिजल्ट लगने से इंटरव्यू तक का 6 महीने का गैप मेरा था, और उस 6 महीने में पढ़ाई करने की एक बार आदत लग गई, अचानक कल से पता चल जाए चलो कल से कोई पढ़ाई नहीं करनी तो आदमी बैठ नहीं सकता, इसलिए मैंने सोचा कि बिना पढ़ाई के अभी टाइम जाएगा नहीं, इसलिए PhD के लिए मैंने तैयारी शुरू की। बीच का जो गैप था तो मैं PhD के एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा था, और तब मैंने सोचा कि अभी मेरी मैनेजमेंट के ऊपर तो डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मेरे पास है, अभी मुझे जो PhD की डिग्री चाहिए वो बाबा साहब अंबेडकर के थॉट्स के ऊपर चाहिए, उनके विषय के ऊपर चाहिए, इसलिए मैंने बाबा साहब अंबेडकर जी का विषय ये सारा उसके ऊपर अध्ययन करने के लिए बाबा साहब की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। पहले तो बाबा साहब जी के ऊपर लिखी हुई किताबें, उसके बाद बाबा साहब ने लिखी हुई किताबें, और जो जानकारी मुझे बाबा साहब अंबेडकर जी के किताबों के माध्यम से मिली, जब मुझे ये जॉब लग गया तब मैंने कहा कि आज मैं ये जॉब नहीं कर सकता, अगर मैं आज ये जॉब करता हूं तो मेरा अंबेडकर परिवार में जन्म लेना ये जाया हो गया ऐसा मुझे लगेगा, इसलिए मैंने कहा अभी मैं ये जॉब नहीं कर सकता। बाबा साहब जी को किस यातना से कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा ये हम लोगों को भी मालूम नहीं। आप लोग जो यहां पर बैठे हो आपको लगेगा हाँ बाबा साहब को स्कूल के बाहर बिठाते थे, बाबा साहब को नल का पानी भी पीने को नहीं देते थे, ये अत्याचार जो होते हैं ये शरीर के ऊपर हुए होंगे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी के जहन पे, उनके मन के ऊपर कितने अत्याचार हुए हैं ये उनकी किताबें जरा निकाल के पढ़ो, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, वेटिंग फॉर वीजा, ये सारे बाबा साहब अंबेडकर जी के चैप्टर से ये पढ़ो, तब पता चलेगा कि बाबा साहब अंबेडकर जी यानी इस देश में जिन्होंने इस देश को संविधान निर्माण करके दिया उनके साथ क्या होता है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को इस देश को संविधान निर्माण करके दिया, वो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 1952 में बाबा साहब अंबेडकर लोकसभा के इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। इस देश की यंत्रणा ने क्या कहना चाहिए था, जिस व्यक्ति ने इस देश को संविधान निर्माण करके दिया है उस आदमी को, उस इंसान को बिना किसी विरोध के हमको संसद में लेके जाना होगा, ये कहता
ये व्यवस्था, ये भारत देश ये कहता, ये स्टैंड लेता, लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर जी के विरोध में कैंडिडेट खड़ा कर दिया। चलो कैंडिडेट खड़ा किया तो खड़ा किया, लेकिन कौन सा खड़ा किया? बाबा साहब अंबेडकर बैरिस्टर, पीएसडी, उनके अगेंस्ट में कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया, चौथी फेल काजरोलकर, चौथी फेल काजरोलकर को बाबा साहब अंबेडकर जी के अगेंस्ट में खड़ा करते हैं और उसको जीतवा कर लाते हैं। और ये काजरोलकर बाबा साहब अंबेडकर जी के बहिष्कृत हितकारिणी सभा का कार्यकर्ता हुआ करता था। ये जीतने के बाद बाबा साहब अंबेडकर जी के घर गया, बाबा साहब अंबेडकर जी के पैर पकड़े और बाबा साहब अंबेडकर जी को कहा कि बाबा साहब मुझे आपके विरुद्ध में कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करनी थी, लेकिन नेहरू ने मुझे 25,000 दिए थे, तब के 25,000 रुपए दिए थे, उन्होंने ही मुझे जितवा के लाया, उन्होंने ही मेरा प्रचार किया, मेरा कोई इसमें दोष नहीं है। शाम को मेरी जो सभा रखी है प्रशंसा करने के लिए, जो सभा रखी है उसमें आप आइए, शामिल होइए और मेरी प्रशंसा के लिए दो शब्द आप कहिए। बाबा साहब अम्बेडकर उच्च विचार के, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी उसके वो सभा में गए और सभा में जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी माइक पे बोले, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी की निशानी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की हाथी हुआ करती थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी का पराभव हुआ था, बाबा साहब अम्बेडकर जी हार गए थे, यानी हाथी बैठ गया था। बाबा साहब कहते हैं काजोलकर हाथी बैठा भी अगर हो ना, हाथी बैठ भी जाए तो भी वो गधे से हमेशा ऊंचा होता है, ऐसे गधों को बाबा साहब अंबेडकर जी के अगेंस्ट में कंटेस्ट करवाया, जीतवा के लाया। फिर से जब बाई इलेक्शन लगी, फिर से कांग्रेस ने सातवीं पास बोरकर को फिर से खड़ा करवाया और फिर से उसको जीतवा के लाया। यानी जिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश को संविधान निर्माण करके दिया, उनको संसद में जाने के लिए इन लोगों ने इस तरह से विरोध किया। आज उन्हीं बाबा साहब के बारे में हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। आज इसी दिल्ली में अनेक बाबा साहब अंबेडकर जी के किताबें हम लोगों को मिलती है, लेकिन बाबा साहब ने लिखी हुई किताबें हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो रही। आज भी इस देश में बाबा साहब अंबेडकर जी के किताबों पर अलिखित बैन इस देश में डाल रखा है, बाबा साहब अंबेडकर जी के लिखे हुए किताबों पे, बाबा साहब अंबेडकर जी के लिखे, उनके ऊपर लिखे हुए किताबें बहुत मिलेंगे आपको। लास्ट टू लास्ट ईयर जब बाबा साहब अंबेडकर जी का 125वीं जयंती हम लोग मना रहे थे, हर एक प्लेटफॉर्म पे, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे, विलर के जो बुक स्टॉल्स है, सारे बुक स्टॉल्स पे बाबा साहब अंबेडकर जी की किताबें लटकाई हुई थी। बाबा साहब अंबेडकर जी के धार्मिक विचार, बाबा साहब अंबेडकर जी के राजनीतिक विचार, बाबा साहब अंबेडकर जी के सामाजिक विचार। मैं सोचा चलो कुछ बुक्स तो ले लूं, कुछ पढ़ाई तो हो जाए। करीब गया, बुक हाथ में लिया, पहला पन्ना खोल के देखा, बाबा साहब के धार्मिक विचार, लेखक श्याम कुलकर्णी। लो, यानी बाबा साहब अंबेडकर जी के बौद्ध धर्म के विषय में क्या विचार है ये कुलकर्णी हमको बताएगा, ये तिवारी बताएगा, ये पांडे बताएगा। यानी बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखे हुए उनके शब्दों से बाबा साहब हमको नहीं जानने दिए जाते। बाबा साहब किनके नजरों से हम लोग जानेंगे? तिवारी क्या सोचता है, त्रिपाठी क्या सोचता है, पांडे क्या सोचता है, कुलकर्णी क्या सोचता है, देशपांडे क्या लिखता है, इस माध्यम से बाबा साहब बताए जा रहे हैं। और हमारी आज की जो जनरेशन है इसको बाबा साहब अंबेडकर चार लाइन में समझा दिए जाते हैं, चार लाइन में। बाबा साहब अंबेडकर जी स्कूल में जाया करते थे, उनका जो बैठने का कपड़ा हुआ करता था, हम लोग मराठी में उसको बारदन कहते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, वो अलग से लेकर आना पड़ता था। बाबा साहब अंबेडकर जी को पानी पीने की अनुमति नहीं थी, बाबा साहब अंबेडकर जी को बैलगाड़ी से नीचे उतार दिया था और बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा, हो गए बाबा साहब का इतिहास खत्म। इतने लाइन में बाबा साहब अंबेडकर जी का इतिहास समझाने का काम इस देश में आज के जनरेशन को हो रहा है, आज के जनरेशन। और इसलिए आज भी
चलो मैं भी एक लाइन में आप लोगों को बाबा साहब अंबेडकर जी का जो आंदोलन है वो समझाने की कोशिश करता हूं। अनेक लोग मुझे पूछते हैं कि आप बाबा साहब के ऊपर इतना बात करते हो लेकिन फिर भी गांधीवाद इस देश में अंबेडकरवाद से भी ज्यादा फैला है।